आज की आपकी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट वर्कशीट नंबर ट्वेंटी ये है ट्वेंटी ऑगस्ट की थर्सडे की वर्कशीट तो जल्दी से देख लेते हैं इस वर्कशीट में क्या है और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाइए ताकि इमिडिएटली आपको पता चल जाए जैसे ही हम वर्कशीट अपलोड करें तो इस वर्कशीट में शुरू के ये जो दो पैराग्राफ्स हैं वो जो हम स्टोरी कर रहे थे अ लेटर टू गॉड उसी की कंटिन्यूएशन है ये वर्कशीट तो ये जो शुरू के दो पैराग्राफ्स है ये उसी को समराइज करते हुए बताते हैं तो मैं जल्दी से मैं ये पढ़ूंगी नहीं जल्दी से आपको समझा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम पिछली वर्कशीट में ये जो दो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं वो हम कर चुके हैं तो अगर इसको समराइज करूं तो अभी तक स्टोरी में यही हुआ है कि लेंचो नाम का एक फार्मर था और बहुत बड़ा एक हेल स्ट्रॉम आ गया उसकी फसल पर मतलब बहुत ज़्यादा ओले गिर गए ओलों की बारिश हो गई और उस वजह से उसकी पूरी क्रॉप उसकी पूरी फसल जो है खराब हो गई तो वो बहुत परेशान था डिजेक्टेड था डिप्रेस था लेकिन फिर भी उसका भगवान में पूरा विश्वास था उसका गॉड में पूरा कॉन्फिडेंस था कि भगवान जरूर उसकी मदद करेंगे गॉड विल रियली हेल्प हिम तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा एक खत लिखेगा तो उसने लेटर में लिखा कि देखो भगवान मुझे 100 पीसोस दे दीजिए ताकि मैं फिर से ये क्रॉप लगा सकूं, अच्छे से फसल उगा सकूं और इसे बेचकर अपने परिवार का ध्यान रख सकूं। पीसोज यहाँ पर करेंसी है जैसे हमारी करेंसी रुपीज है वैसे ही ये लैटिन अमेरिका में पीसोज करेंसी है तो अब ये वो लेटर लिख देता है और जाके पोस्ट पोस्ट कर देता है ऑफ़ कोर्स गॉड को तो वो लेटर मिलता नहीं है लेकिन जब पोस्ट मास्टर वो लेटर पढ़ता है तो वो बहुत खुश होता है ये देख के कि वाह क्या विश्वास है और क्योंकि वो उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता है पोस्ट मास्टर लंचो का इसीलिए वो वो सोचता है कि चलो मैं इसकी मदद करता हूँ तो मदद के लिए वो अपने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे मदद मांगता है जो उसके दोस्त हैं उनसे मदद मांगता है और साथ ही साथ अपनी सैलरी में से भी कुछ मदद करता है और ऐसे करके वो लेंचो ने सौ पीसोज मांगे थे हंड्रेड पीसोज मांगे थे बट पोस्ट मास्टर 50 से थोड़े से ज्यादा दैट इज सेवेंटी पीसोज वो कलेक्ट कर पाता है तो पोस्ट मास्टर फिर इन सेवेंटी पीसोस को ऑनवेलप में डालता है एक लिफाफे में डालता है और लेंचो का नाम उस पर लिखकर और सिर्फ गॉड लिखकर कि भाई ये भगवान की तरफ से है लिखकर जो है वो वहां रख देता है अब आगे क्या होता है स्टोरी में ये जल्दी से देख लेते हैं द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अबिट अर्लियर देन यूजल टू आस्क इफ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम तो अगले दिन जैसे ही लंचो ने लेटर लिखा उसके अगले दिन अगले संडे जब भी पोस्ट आती थी मेल आती थी लेंचो जो है वो जल्दी वहां पर पहुंच गया अः समय से पहले ही वहां पर पहुंच गया अः पोस्ट ऑफिस क्यों क्योंकि ये देखने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो वहाँ का जो एक एम्प्लॉय था पोस्टमैन था उसने खुद ही लेंचो को उसके हाथ में वो लेटर पकड़ाया और पोस्टमास्टर जो है वो अपने ऑफिस से ये सब देख रहा था और बहुत ही खुश था बहुत ही अपने अपने आप सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड था संतुष्ट था कि वाह हमने एक अच्छा काम किया है जरूरतमंद को हम ने मिलकर पैसा दिया है चो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सींग दनी सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस तो लेंचो जो था ऐसा नहीं था कि जब उसे पोस्टमैन ने लेटर दिया तो उसने खोला और उसने पैसे देखे और वो बहुत ही अचंभित हो गया बहुत ही सरप्राइज हो गया कि अरे पैसे सच में आ गए नहीं बिल्कुल भी नहीं लेंचो को जरा सा भी सरप्राइज नहीं था जरा सा भी अचंबा नहीं था क्यों क्योंकि उसे तो पता ही था कि भगवान है और अगर वो भगवान को कॉन्टेक्ट करेगा तो course भगवान उसे reply जरूर करेंगे तो ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था भगवान में ऐसा फेथ था उसका भगवान में तो इसलिए उसने जरा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी लेकिन जब उसने वो जो पैसे उस लिफाफे में थे जब उन्हें उसने उन्हें गिना उन्हें काउंट किया तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया ही बिकेम एंग्री गॉड कुड नॉट अ मिस्टेक नॉर कुड ही उसे ये तो पता था कि भगवान जो है वो गलती तो कर नहीं सकते हैं और ना ही भगवान ऐसा करेंगे कि लंचो ने कुछ मांगा और वो उसे ना दे तो ऐसा जरूर कुछ बीच में कुछ झोलझाल हुआ है जिसकी वजह से ये गड़बड़ हुई है और मैंने सौ मांगे थे लेकिन मुझे सत्तर पीसोज मिले हैं और इस वजह से लंचो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया अब वो किस पर गुस्सा हुआ ये हम आगे देखते हैं Immediately, Lenco went up to the window to ask for paper and ink. तो जल्दी से फटाफट गुस्से में Lenco जो है, वो post office की जो खिड़की है, वहाँ गया और उसने कहा, मुझे एक paper और ink दे दीजिए, मेरे को एक खत लिखना है। On the public writing table, he started to write. स हिज आइडियाज तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर लेंचो बहुत ज्यादा गुस्से में है और फटाफट उसने वो पेपर लिया वो पेन दिया और वहां पर जो राइटिंग टेबल थी उसने वहां पर उस पेपर पेन पर लिखना शुरू कर दिया और जो उसकी आईब्रोज थी उसकी जो है आईब्रोज थी वो बिल्कुल उसने ऐसे बिल्कुल रिंकल कर रखी थी ऐसे सिकोड़ रखी थी कि मतलब इतने ज्यादा उसके अंदर भाव आ रहे थे इमोशंस आ रहे थे कि वो फटाफट फटाफट उनको लिख रहा था और जो एफर्ट लग रहा था तो वो उसके चेहरे पर नजर आ रहा था वेन ही फिनिश्ड ही अगेन आप देख सकते हो कि कैसे लेंचो का गुस्सा अभी भी है तो वो जैसी वो गुस्से गुस्से में पूरा लेटर लिखता है अपना पूरा एफर्ट लगाकर और जैसे लिखना खत्म करता है वो एक स्टैंप खरीदता है स्टैंप को लिख करके उसपे चिपकाता है और सिर्फ ऐसे ही सिंपली चिपका नहीं देता है एफिक्स का मतलब यहाँ पर है चिपकाना या लगाना या ग्लू करना तो ऐसे ही नहीं लगा देता गुस्से में वो अपनी जो है फिस्ट से अपने मुक्का मार के वो उसको फटाफट ऐसे चिपका देता है द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेन टू ओपन इट तो जैसे ही फिर वो जो है उसको पोस्ट कर देता है इस लेटर को तो जैसे ही वो लेटर जो है वो मेल बॉक्स में गिरता है फटाफट से पोस्ट मास्टर जो है क्योंकि वो ये सब कुछ देख रहा होता है तो फटाफट से वहां जाता है वो खोलने के लिए जाता है ये देखने के लिए कि लेंचो ले, ने ऐसा क्या रिएक्शन दिया जब उसे सेवेंटी पीसोज मिले तो क्या उसने गॉड को वापस से लिखा होगा द लेटर सेड इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्ट फॉर ओनली सेवेंटी पीसोज रीच्ड मी सेंड मी द रेस्ट Since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. तो पोस्ट मास्टर जब वो लेटर पढ़ता है तो लेटर पे क्या लिखा होता है तो लेंचो ने लिखा होता है कि भगवान मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से मेरे पास सिर्फ सेवेंटी पीसोस पहुंचे हैं सत्तर पीसोस पहुंचे हैं जो बाकी बचे हुए पैसे हैं वो मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है पर हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मेल के थ्रू मत भेजिएगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं जो एम्प्लॉज हैं, वो बहुत ही बड़े क्रूक्स हैं बहुत बड़े चोर हैं और उन्होंने मेरे जो बचे हुए पैसे हैं, वो बीच में से आप निकाल लिए तो आप देख सकते हैं कि लेंचो का विश्वास भगवान में पूरा था उसके हिसाब से भगवान गिनती में कोई गलती गलती नहीं कर सकता है और भगवान ने भगवान से अगर उसने सौ रुपए मांगे तो पक्की बात है कि भगवान ने सौ ही भेजे होंगे लेकिन ये तो पोस्ट ऑफिस वाले थे जो बीच में से तीस पीसों लेके चलते बने और उसको सिर्फ सेवेंटी दिए तो ये जो है ये लेटर था जो उसने लेंचो ने गॉड को लिखा था और इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है तो जल्दी से हम ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है आपका यहां पर वाई डिड लेंचो कम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस में जल्दी क्यों आया तो इसका आंसर यहीं पर है बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूं यहीं से आप डायरेक्ट वर्कशीट से लिख सकते हैं लेंचो केम बिट अर्लियर देन यूजल टू आस्क इफ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम ये आपका आंसर वन है चलते हैं आप क्वेश्चन टू पर क्वेश्चन टू आपका कहता है वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट वाई तो क्या लेंचो सरप्राइज था अचंबित था जब उसे लेटर मिला जिसके अंदर पैसे थे और ऐसा क्यों नहीं था अगर वो सरप्राइज था तो क्यों था और नहीं था तो क्यों था तो इसका आंसर भी देख लेते हैं जल्दी से तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको समझाया इसका आंसर यही है कि लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था और उसका भगवान में पूरा विश्वास था कि भगवान जो है उसे जरूर रिप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि ये जो ही है मैंने यहाँ पर कैपिटल एच के साथ लिखा है तो ये हम हमेशा डिनोट लिखते हैं जब हम भगवान को गॉड को डिनोट करना चाहें तो ही हैड हाँ फुल यहाँ पर मैंने लिखा ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड हैड फुल फेथ इन गॉड ये वाला ही का मतलब है लेंचो ट ही वुड रिप्लाई टू हिम मतलब ये वाला ही है गॉड कि भगवान उसे रिप्लाई देंगे अब ये ही क्यों है और शी क्यूँ नहीं है ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है सोचिए जरा इस क्वेश्चन पे कि ऐसा क्यों है कि भगवान जो है वो मेल है और फीमेल नहीं है इस क्वेश्चन के साथ चलते हैं आपकी वर्कशीट के अगले क्वेश्चन पर आपका क्वेश्चन थ्री कहता है Why was Lencho angry when he counted the money? जब लेंचो ने पैसे को गिना तो वो गुस्सा क्यों हुआ जल्दी से इसका आंसर भी देख लेते हैं तो आंसर थ्री यही है जैसा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में समझाया कि लेंचो को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि भगवान पर तो उसका पूरा विश्वास था कि भगवान गलती नहीं करेंगे और भगवान से जो उसने मांगा है वो उसे जरूर देंगे हाँ पर गुस्सा उसे इस बात पर आया क्योंकि उसे लगा की पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉज हैं उन्होंने उसको चीट किया था दे चीटेड हेम ऑफ द मनी उन्होंने उसके थर्टी पीसोज जो बचे थे हंड्रेड में से सेवेंटी निकालने पर सेवेंटी उसे मिल गए थे जो थर्टी बचे थे वो उन्होंने अपने तरफ कर लिए हैं और अपने पास रख लिए हैं चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है वट डिड द पोस्ट मास्टर डू वेन द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स एंड वाई तो जैसे ही लेंचो ने जो दूसरा लेटर लिखा था वो जैसे ही मेल बॉक्स में पहुंचा तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया और वो क्यों किया अगेन जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया कि जैसे ही वो मेल uh, बॉक्स में लेटर पहुंचा तो पोस्ट मास्टर वेन टू ओपन इट उन्होंने जल्दी से वो उसे खोलने के लिए गए क्योंकि वो ये देखना चाहते थे ही वॉज ईगर टू नो वो बहुत ज्यादा uh, जल्दी में थे ये देखने की कि लेंचो का क्या रिएक्शन था जो गॉड uh, का जो लेटर था वो उन्होंने जो लिखा था उसका लेंचो ने क्या रिएक्शन दिया उस पर वो ये देखना चाहते थे अब चलते हैं आपके क्वेश्चन फाइव पर तो क्वेश्चन फाइव आपका कहता है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच ऑप्शंस ऑप्शन इन द ब्रैकेट्स तो यहाँ पर जो है आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके मतलब जो है आपको यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं तो ये जो मतलब है ये आपके उसमें है इसमें पैसेज में है तो इसका सिमिलर मीनिंग जो है वो आपको देखना है तो पहला क्वेश्चन है आपका सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन का मतलब है संतुष्ट होना तो यहाँ पर वर्ड्स हैं होप और कंटेंटमेंट अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको समझाया था कंटेंटमेंट का मतलब होता है uh, संतुष्ट होना तो ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है कंटेंटमेंट होप का मतलब होता है उम्मीद बी है आपका क्वेश्चन चीटर मतलब जिसने चीट किया हो किसी को तो यहां पर क्रूक और ऑनेस्ट ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार क्रूक का मतलब होता है चीटर या चोर जिसने कुछ चुराया हो या कुछ धोखा दिया हो फिर सी है आपका ग्लूड मतलब चिपकना तो डिटैच आपको ऑप्शन दिया है उसका मतलब है हटाना किसी को डिटैच कर देना हटा देना और एफिक्स का मतलब है चिपकाना या लगाना या ग्लूड तो ये आपका सही आंसर है फिर क्वेश्चन डी है आपका डिसअग्री डिस का मतलब है कि मना कर देना या अग्री नहीं करना तो यहाँ जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो एक दिया गया है डिनाइड मतलब मना कर देना और एक दिया गया है अग्री मतलब कि हाँ करना तो ऑब्वियसली डिसग्री का मतलब है डिनाइड अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है फिगर ऑफ स्पीच पर तो मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू मेक अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आंट लाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन तो मेटाफर जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है जो हम यूज करते हैं कंपेरिजन करने के लिए दो चीजों के बीच में कंपेरिजन करने के लिए जो दिखने में तो एक्चुअली में एक जैसी है नहीं लेकिन कोई क्वालिटी है जो उन दोनों के बीच में कॉमन है तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया है ही इज अ शाइनिंग स्टार तो यहाँ पर जो लड़का है उसे शाइनिंग स्टार मतलब कि चमकते हुए सितारे से कंपेयर किया गया है तो जो क्वालिटी यहाँ पर कंपेयर की गई है वो है ब्राइटनेस की क्वालिटी मतलब कि जो जो लड़का है वो भी एक सितारे की तरह बहुत ब्राइट है चमकीला है और बहुत ही स्मार्ट है बहुत ही इंटेलिजेंट है इसका मतलब ये है तो इसी के ऊपर हिंदी में इसको असल में रूपक अलंकार कहते हैं आप हिंदी में भी इसे कर रहे होंगे तो अब इसी पर आपके क्वेश्चन है जल्दी से वो देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है एक यहां पर ऑब्जेक्ट है जैसे कि क्लाउड रेनड्रॉप्स हेल स्टोन्स लोकस इसको मेटाफर दिया गया है मतलब किसी और ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया गया है तो जिससे कंपेयर किया गया है वो यहां पर लिखा है और क्या क्वालिटी कंपेयर की गई है वो क्वालिटी यहां पर लिखी गई है तो यहां एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है ऑब्जेक्ट है क्लाउड क्लाउड को किससे कंपेयर किया गया है माउंटेन से तो मेटाफर यहां पर क्या बना ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स तो क्लाउड्स और माउंटेन्स दिखने में तो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है लेकिन उनकी कौन सी क्वालिटी देखते हुए इनको कंपेयर किया गया है उनकी क्वालिटी है ये द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स तो माउंटेन जितने बड़े हैं उतने ही बड़े क्लाउड्स थे ऐसे ही आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है लोकस लोकस जो होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े होते हैं तो उसको कंपेयर किया गया है प्लेग से प्लेग क्या होता है प्लेग एपिडेमिक होता है जैसे कि अभी कोरोना वायरस uh, की वजह से कोविड नाइन्टीन जो है वो एक एपिडेमिक है एक प्लेग की तरह महामारी की तरह हर जगह वो फैल गया है तो एपिडेमिक जो होता है वो बहुत ही जल्दी फैलता है और बहुत ही लोगों को uh, मतलब ख, खत्म कर देता है तो उसी तरह से लोकस जो है वो भी एपिडेमिक की तरह जल्दी से फैलते हैं और पूरी फसल को खत्म कर देते हैं तो उनकी ये जो क्वालिटी है एपिडेमिक और प्लेग प्लेग uh, की जो क्वालिटी है और लोकस की जो क्वालिटी है उसे यहाँ कंपेयर किया गया है तो इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए आपको यहां पर ये तीन वो दिए हुए हैं इनको आपको फिल करना है तो पहला ऑब्जेक्ट जो आपको दिया गया है वो है न्यू कॉइन्स रेनड्रॉप्स एंड न्यू कॉइंस तो रेनड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया है यहां पर रेनड्रॉप्स को कंपेयर किया गया है न्यू क्वाइंस में अगर आप पिछली वर्कशीट देखेंगे या स्टोरी पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसको देख पाएंगे कि जब लेंचो कहता है कि बस अब उसे रेनड्रॉप्स का इंतजार था जो नए क्वाइंस की तरह गिर, गिरेंगे तो यहाँ पर नए क्वाइंस का मतलब है कि वो पैसे की तरह बरसेंगे जो रेन ड्रॉप्स अगर अच्छी सी रेन ड्रॉप आ जाएगी तो फिर उसकी फसल अच्छी सी हो जाएगी जिसे बेचकर वो पैसे कमाएगा और ये जो पैसे हैं, तो ये जो क्वालिटी है गिरने की क्वालिटी और बहुत अमाउंट में गिरने की क्वालिटी इसको यहाँ पर कंपेयर किया गया है तो अब यहाँ पर जो आपका ये ब्लॉक है इस पर आप क्या लिखेंगे वो यहाँ जल्दी से मैं लिख देती हूँ तो यहाँ न्यू कॉइंस के सामने जो डब्बा खाली है यहाँ पर आप लिखेंगे द शावरिंग और फॉलिंग इन ह्यूज अमाउंट ये जो क्वालिटी है बारिश की और रेनड्रॉप्स की और कॉइन्स की जो ऊपर से गिरते हैं और शावर करते हैं और बहुत अमाउंट में करते हैं जैसे बोलते हैं ना पैसों की बारिश होना तो ये उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया है अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में यहाँ अगला आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट हेल स्टोन्स मतलब कि ओलों की बरसात उसे ओले जो है हेल स्टोन्स उनको किससे कंपेयर किया गया है उनको कि, कंपेयर किया गया है न्यू सिल्वर कॉइन्स या फ्रोजन पर्ल्स से तो इन ओलों को नए नए चांदी के सिक्कों या फिर जमे हुए मोतियों से कैसे क्यों कंपेयर किया गया है क्योंकि दोनों में कौन सी क्वालिटी सेम है वो क्वालिटी सेम है हार्डनेस की जैसे कि सिक्के जो है बहुत हार्ड होते हैं बहुत कठोर होते हैं मोती बहुत कठोर होते हैं कि ऊपर से जब पड़ते हैं तो पट 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 करके पड़ते हैं साथ ही साथ ये चमकीले होते हैं जो शाइन होती है इनकी और जो कलर है वो सिमिलर होता है तो ये जो तीन क्वालिटीज हैं हार्डनेस कलर और शाइन की अः हेल स्टोन्स और सिल्वर क्वाइंस ऑफ फ्रोजन पर्ल्स में ये यहाँ पर कंपेयर की गई है तो इसके सामने जो खाली डब्बा है वहां आप लिखेंगे हार्डनेस कलर एंड शाइन अब चलते हैं आपके लास्ट वाले उस पर लास्ट में आपको यहाँ मेटाफर दिया हुआ है एन ऑक्स ऑफ अ मैन तो यहाँ पर दो डब्बे खाली हैं एक ये वाला और एक ये वाला तो आपको यहां लिखना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया गया है ऑक्स से और कौन सी क्वालिटी कंपेयर की गई है तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट कंपेयर की गई है वो किया गया है मैन को एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब कि बैल की तरह आदमी और वो मैन कौन है यहाँ पर लेंचो है वो मैन तो ये जो खाली डब्बा है यहाँ आप लिखेंगे मैन और लेंचो अब आगे इस डब्बे में आप क्या लिखेंगे वो जो क्वालिटी इनकी कंपेयर की गई है वो लिखेंगे टेंट हार्डवर्क एंड स्ट्रेंथ तो बैल की तरह जो वो मेहनत करता था लेंचो और साथ ही साथ बैल की तरह जो उसकी स्ट्रेंथ थी जो उसकी मजबूती थी उसको यहां पर कंपेयर किया गया है तो ये लास्ट बॉक्स में आप इसको यहां पर लिखेंगे हिज परसिस्टेंट हार्डवर्क एंड स्ट्रेंथ तो आज की इंग्लिश की वर्कशीट में इतना ही है अब चलते हैं आपकी सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की वर्कशीट में ये जो वर्कशीट है ये हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करेंगे लेकिन हाँ दिखाएंगे शायद आपको एक ही वर्कशीट ताकि आपको अच्छे से व्यू अच्छे से आ जाए आइए चलते हैं अब हम वर्कशीट नंबर ट्वेंटी देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान हम इस वर्कशीट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखेंगे आइए चलते हैं वर्कशीट का जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो हम तीन सेक्टर्स की पहले बात कर रहे थे पिछली वर्कशीट में उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं क्या क्या प्राइमरी सेकेंडरी और जो हमारे प्राथमिक टर्सरी और ये जो हमारे क्षेत्र है उनके बारे में हम बात कर रहे थे तो जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में हमने देखा था सकल घरेलू उत्पाद मतलब जो हमारा जीडीपी है पूरा एक देश में जितना प्रोडक्शन होता है उसमें जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है वो सिर्फ पंद्रह परसेंट ही उसका योगदान है बट उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो आधे हैं मतलब पचास प्रतिशत तो बाकी जो दो क्षेत्र हैं, मतलब द्वितीयक और तृतीयक मतलब टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर उनके अंदर सिर्फ पचास परसेंट तो कहने का मतलब ये है एक थोड़ा सिंपल से भाषा में समझा दो अगर आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है अगर मैं स्क्रीन को आधे में अगर मैं डिवाइड करूं आधे लोग जो हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे अगर 100 लोग हैं 50 लोग आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे 50 लोग यहाँ लेकिन ये जो 50 लोग हैं ये द्वैतिक और त्रैतिक क्षेत्र में काम करते हैं और ये 50 लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं प्राथमिक मतलब एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में बट ये जो पचास लोग मिलके सिर्फ पंद्रह रुपये कमाते हैं और ये वाले जो पचास लोग हैं लेफ्ट साइड में वो लोग कमाते हैं एट्टी फाइव रुपीज ठीक है इस तरीके से आप समझे कितना भेद है पचास लोग मिलके पंद्रह रुपए कमा रहे हैं वही पचास अलग पचास लोग मिलकर जो है एट्टी फाइव रुपीज कमा रहे हैं तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है इस वजह से क्या है बहुत ही ज्यादा अल्प बेरोजगारी अंडर एम्प्लॉयमेंट आपकी हो जाती है अल्प बेरोजगारी का मतलब हो गया कि ऐसी बेरोजगारी जिसकी वजह से क्या है आप काम तो कर रहे हैं बट आपको उसके काम का सही मूल्य नहीं मिल रहा इस तरीके से ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो जाती है यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम ये वर्कशीट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आ, आर्थिक बेरोजगारी का सृजन कैसे करें मतलब किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाले सो so, दो यहाँ पे सॉल्यूशन इन्होंने बता रखे हैं छोटी अवधि के लिए मतलब शॉर्ट टर्म में कैसे सॉल्व कर सकते हैं और दीर्घकालीन के लिए मतलब लॉन्ग टर्म में किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो छोटी अवधि में यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स जो है वो लगाती है छोटी अवधि हो गया अभी प्रॉब्लम है अभी क्या करें इसके लिए आज की डेट में लोगों को क्या प्रॉब्लम है जैसे कि अभी कोरोना फैल रहा है तो आज क्या करें लॉन्ग टर्म में तो हेल्थ सिस्टम अच्छा करना ही पड़ेगा लेकिन शॉर्ट टर्म में भी तो हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि आज की जो प्रॉब्लम है आज खत्म हो जाए जैसे हम ये वर्कशीट बना रहे हैं ये आज की प्रॉब्लम के लिए आज ये वर्कशीट आई है आज समझाना है तो आज के आज इस वर्कशीट का जो टॉपिक है हमें खत्म करना पड़ेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरीके से नहीं चल सकता आपको अपना टेक्स्ट बुक पढ़ के आपको टॉपिक समझना पड़ेगा लंबे समय के लिए तो आइए चलते हैं छोटी अवधि के लिए क्या बोला गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं और चलनी चाहिए क्या योजना है वो देख लेते हैं 2005 में शुरू हुई थी ये इस योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा ये गारंटीड है तो ये इसके अंदर गारंटी है अगर कोई बंदा इस योजना के अंतर्गत आता है तो उसको सौ दिन का साल भर में पूरे साल में उसका रोजगार गारंटी है अगर ऐसा नहीं होता तो उसको भत्ता दिया जाएगा मतलब अलाउंस दिया जाएगा कि वो अगर सौ दिन नहीं कर पाता सपोज करो गवर्नमेंट उसको पचास दिन ही काम दे पाती है तो बाकी के पचास दिन उसको पैसे तो मिलेंगे ही जो मिनिमम पे स्केल है उसको भत्ता दिया जाता है अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्य का स्थान मिलेगा तो इस योजना के अंतर्गत उनको ये नहीं बोला जाएगा कि अपने गांव छोड़ के कहीं और जाके आपको काम मिलेगा नहीं अगर आपके गांव के आसपास ही कुछ काम है तो ही मिलेगा अदरवाइज सौ दिन से कम हुआ तो भत्ता दिया जाएगा जैसे कि हमने बताया है एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है एक तिहाई का मतलब हो गया वन थर्ड अगर सौ uh, जॉब आई है तो उसमें से थर्टी थ्री जो होगी वो महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी सुरक्षित से मेरा मतलब है यहाँ पर कि उनको गारंटी है मिलेगी आगे है गरीबों में भी अति गरीब को अति गरीब को रोजगार प्रदान करना मतलब अब गरीबों में भी तो स्केल होगा ना कुछ ज्यादा गरीब कुछ कम गरीब तो उस तरीके से जो अति गरीब है उनको रोजगार प्रदान करना ये गारंटेड है अब, अब दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म में अब ये तो शॉर्ट टर्म हो गया ना ये वाले जितने भी हमने पढ़े वो शॉर्ट टर्म हो गए लॉन्ग टर्म में अब ऐसा तो हर बार नहीं हो सकता ना हर साल सौ दिन आपको रोजगार दिया ही जाएगा हम आपको ढूंढ के देंगे सरकार के ढूंढ के दे सरकार को ऐसे योजनाएं बनानी चाहिए ताकि आपको रोजगार मिलता ही रहे जैसे हम अभी आज की डेट में अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं काम कर रहे हैं तो सरकार ने थोड़ा ना बोला हुआ है कि आपको आ, करना ही करना है हम अपनी मर्जी से भी काम कर रहे हैं तो कुछ काम आपको इस तरीके से स्किल दे दी जाए उसे कहते हैं स्किल देना कि आप अपना काम खुद कर सके कृषि सुविधाओं का सुधार तो कृषि का सु, अगर सुधार होगा तो ऑब्वियसली रोजगार भी बढ़ेगा सस्ती दरों पर कृषि ऋण तो जो ऋण है मतलब जो क्रेडिट है जो पैसे दिए जाते हैं उसको सस्ती दरों पर दिया जाए ताकि आप लोग अच्छे से काम कर सकें अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग की स्थापना तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा और बनाया जाए विद्यालयों और कॉलेज की स्थापना ज्यादा से ज्यादा कॉलेज एजुकेशन मिलेगी तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से काम करेंगे इसलिए बोला जाता है अच्छे से ध्यान से पढ़े स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर करना तो ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं अगर ये बेटर तरीके से कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं लॉन्ग टर्म में आपको बेरोजगारी की दिक्कतें कम होंगी क्योंकि आप स्वयं को अपना इतना काबिल बना लेंगे कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं आपको गवर्नमेंट पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई चलते हैं प्रश्न की तरफ इसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश में भी इसी वर्कशीट को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा जिसे हम कहते हैं मनरेगा से इसको फेमस है क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर विशेषताएं बताएं मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा ये मनरेगा की सारी सारी विशेषता है तो आपको सारे के सारे पॉइंट लिखने ये प्रश्न नंबर वन का आंसर हो गया प्रश्न नंबर दो देख लेते हैं अतिरिक्त रोजगार सृजन के दीर्घकालीन उपाय बताए तो यहां पर राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये दीर्घकालीन उपाय बताए हैं इन्होंने तो ये सारे के सारे आप यहाँ पर लिख दें आपको कोई एक्स्ट्रा भी लगते हो कुछ आपके नॉलेज में हो कि ये करने से भी होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं प्रश्न नंबर तीन पर चलते हैं हमें अधिक से अधिक रोजगार श्रजन की आवश्यकता क्यों है तो आप बताएं क्यों है हमने स्टार्टिंग में में इसके बारे डिस्कस करा था क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है इस वजह से हमें रोजगार ढूंढने की जरूरत है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है ऐसी स्थिति को देखते हुए हमें देश में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है तो ये आपका आंसर नंबर थ्री हो गया उम्मीद करते हैं आंसर आंसर नंबर नंबर समझ में आया होगा देखिए जो है रोजगार सृजित करने के कुछ अन्य तरीके समझाइए तो इसके बारे में हम इंग्लिश के आंसर के बाद देखेंगे ताकि दोनों का आंसर मैं इकट्ठा दे सकूं क्योंकि हमने खुद लिखा है आप वहां से आइडिया लेके खुद लिख सकते हैं आई चलते हैं अब इंग्लिश की वर्कशीट की तरफ

लास्ट वर्कशीट में हमने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था ये सेक्टर काम क्या करते हैं अब आगे चलते हैं इसके हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दो बात करी गई है एक्सप्लेनेशन हम पहले भी दे चुके हैं मनरेगा हम इसको बोलते हैं एम जी एन आर ई जी ए तो फुल फॉर्म आपको uh, यहाँ मिल जाएगी अगर फुल फॉर्म आपको जाननी है ये क्वेश्चन में दे रखिये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि आया था 2005 में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है जिसके अंदर बोला गया था सौ दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा रोजगार मिलेगा और अगर नहीं मिलता तो भत्ता मिलेगा भत्ता का मतलब हो गया अलाउंस मिलेगा और वुमेन्स में वुमेन्स को वन थर्ड एम्प्लॉयमेंट रिजर्व है अगर सौ काम आए हैं तो उसमें से तैतीस काम जो है वो वुमेन के लिए ही पहले फिक्स होंगे अगर बच गए तो मेन के पास जाएंगे नहीं बोल सकती long term, long term स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप अच्छे से काम करेंगे कॉलेज और स्कूल खुलने चाहिए और ताकि आप पढ़े लिखें और आगे ग्रो करें इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज लगेंगे आप जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं ताकि हम बाहर से मंगवाए भी नहीं खाना चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब आप लोगों को कुछ पैसा मिले जैसे लोन मिले और ताकि आप अपना काम कर सकें प्रोवाइड एग्रीकल्चर फैसिलिटीज और बेटर फैसिलिटीज होनी चाहिए तो आंसर देख लेते हैं आंसर नंबर वन आंसर नंबर वन है आपका ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं ये सारे के सारे आ जाएंगे आंसर नंबर टू जो है वो ये है ये वाला और आंसर नंबर थ्री

आइए आंसर नंबर फोर की तरफ चल लेते हैं हिंदी का भी आंसर वही मिल जाएगा सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर सकते हैं आंसर नंबर जो है इसके अंदर लिख दिया है कि कैसे कैसे कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन अदर देन जो वहां पे लिखा है इन एडिशन टू न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय फ्रॉम पीपल टू टेक अप डिफरेंट करियर पाथ देखो हमारे इंडिया में क्या होता है कुछ ही करियर पाथ होते हैं जो कि लोग लेते हैं जैसे सारे सारे लोग डॉक्टर बनना चाहेंगे सारे लोग इंजीनियर बनना चाहेंगे तो आज के डेट में और भी करियर पाथ आ चुके हैं तो इसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा देखो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी उस कारण तो अगर इसके बारे में भी कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं इसके बारे में अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो इसके बारे में सोच के आपको बताऊंगा कि क्या क्या करियर पाथ डिफरेंट हो सकते हैं जो आउट ऑफ लीग है और डिग्रीज जो है लोग एक जैसी ना लें ताकि एक जैसे लोग एक जगह पे घुसेंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन ही बढ़ता है उससे और कुछ नहीं होता पीपल कैन बी टॉट डिफरेंट स्किल्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस अलग तरीके के काम आपको सिखाए जाने चाहिए जैसे जैसे आप अलग तरीके के काम सीखेंगे उस तरीके से आप अलग तरीके से काम कर पाएंगे सेम मैंने आपको आंसर हिंदी में भी लिख दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको यहाँ से देखें और अपना आइडिया लगाकर अपना आंसर खुद लिखें तो आ, इकोनॉमिक्स की वर्कशीट में इतना ही अभी के लिए नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें फॉरवर्ड करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले ये हमारे लिए रिवॉर्ड है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सीन द नेक्स्ट वीडियो